हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल बायोलॉजी ब्लूम में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। फ्रेंड्स और फ्रेंड्स, आप लोग अपनी स्टडीज़ को अच्छे से करिएगा और अच्छे से ही कर रहे होंगे होपफुली। बट फ्रेंड्स, आप सब लोग भी सेफ रहिएगा इस पैंडमिक में और इमोशनली स्ट्रांग भी रहिएगा। डरने घबराने की बात नहीं है, बट अपने आप को आप लोग प्लीज़ सेफ रहिएगा, प्रिकॉशन के साथ ही कहीं पर आप स्टेप लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि ये एग्ज़ाम आर्काइव्स हैं और जो हमने आज चैप्टर लिया है जिसके PYQ में, ये प्रिंसिपल बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के ये PYQ हैं फ्रेंड्स। किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स। अगर आप ये डेली अगर आप कर रहे हैं तो इससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन में कई पॉइंट्स को क्लियर करती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक मेड इट पॉसिबल टू जेनेटिकली इंजीनियर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑप्शन ए रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक्स, ऑप्शन बी एक्सरे डिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी हेवियर आइसोटोप लेबलिंग, ऑप्शन डी हाइब्रिडाइजेशन। तो फ्रेंड्स चलिए, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें कहा गया है कि इनमें से कौन सी जो टेक्निक है वो जेनेटिकली इंजीनियर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सूटेबल है, कैसे बनाती है उसको, ठीक है। तो नाउ आपको पता ही है फ्रेंड्स, सभी लोग जान रहे हो आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक्स, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जब हम लोग फॉरेन जीन्स को किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो इस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म होता है हमारे पास वो क्या होता है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड हो जाता है, यानी कि उसके जीन्स में हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं। ओके और ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं, या कोई भी ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक एनिमल, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन प्रोड्यूस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू है यहाँ पे। फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फ्रेंड्स यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है जो एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, जिसको कि मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं, उसके लिए इनकरेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है, ऑप्शन ए द एंजाइम रिकॉग्नाइजेस अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द DNA। बी है द एंजाइम कट्स DNA मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजिशन विद इन द DNA। ऑप्शन सी है द एंजाइम बाइंड्स DNA एट स्पेसिफिक साइट्स एंड कट्स ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स। ऑप्शन डी द एंजाइम कट्स द शुगर फॉस्फेट बैकबोन एट स्पेसिफिक साइट्स ऑन ईच स्ट्रैंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स क्या करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, वो जो है पहले तो DNA के पूरे सीक्वेंस को वो इंस्पेक्ट करते हैं, मतलब देख उसको पूरा मेजर करते हैं कि कैसा स्ट्रैंड है, क्या है। देन उसके बाद जब रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, इंस्पेक्ट करने के बाद उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को, क्या स्पेसिफिक सीक्वेंस को चूज़ करते हैं और उसके बाद फिर ये DNA से बाइंड करते हैं, उसको कट करते हैं टू स्ट्रैंड्स को, क्योंकि आपको पता है कि DNA का स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंडेड होता है फ्रेंड्स। तो उसको कट करना, उसको जो है अनकॉइल करना, ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो कट करते हैं दो स्ट्रैंड को क्योंकि डबल हेलिक्स है, और किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और DNA की जो पूरी बैकबोन है फ्रेंड्स, वो शुगर फॉस्फेट की बनी होती है और स्पेशल सीक्वेंसेस होते हैं उसमें DNA के। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये जो स्पेसिफिक DNA के सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करता है, उसे कट करता है, इनको पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस भी कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस आगे भी आपको मिलेगा। ये हैं पैलिंड्रोमिक, आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे फ्रेंड्स पैलिंड्रोम, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। द एंजाइम बाइंड्स DNA एट स्पेसिफिक साइट्स एंड कट ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स, ये इनकरेक्ट है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पूछा गया था। देखिए यहाँ पे चलिए, और बाकी सारे तो करेक्ट हैं। तो आपके पास अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड वो कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट फ्रेंड्स रुक जाइए थोड़ा सा।
हाँ ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्वेश्चन 3 है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम. ऑप्शन ए बायोरिएक्टर, बी ओ डी इंक्यूबेटर, सी स्लज डाइजेस्टर एंड डी इंडस्ट्रियल अवन. तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, बायो रिएक्टर. ओके, तो इसमें ये पूछा गया है ना कि जो एसेंशियली रिक्वायर्ड इक्विपमेंट है, ओके, किसके लिए? माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए, लार्ज स्केल पर उसको ग्रो करने के लिए. लार्ज स्केल मीन्स कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कर रहे हैं. तो नाउ फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बायो रिएक्टर. जब भी हमें किसी लार्ज स्केल पर कोई प्रोडक्शन करना होता है फ्रेंड्स, तो उसके लिए बायो रिएक्टर का यूज़ होता है बायोटेक्नोलॉजी में. आप लोगों ने स्टडी की होगी. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द करेक्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस फॉर द गिवन डीएनए सेगमेंट. 5 एंड है ए, 5 to 3 इनकी का है फ्रेंड्स, ए टी टी जी सी ए ए टी. ओके, ये यहाँ पर है. अब इसके लिए आपको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पता करना है फ्रेंड्स. तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आपको पता है कि बहुत सारे बन सकते हैं. क्या जिसको हम लोग सीधा उल्टा एक समान पढ़ सकते हैं वो होते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन बी है फ्रेंड्स वो आपका करेक्ट हो जाएगा. कैसे? यहाँ पे देखिए टी, ठीक है, लास्ट की तरफ, यानी जो हमारा गिवन है उसमें 3 इन की तरफ से अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो 3 फिर उसके बाद टी ए ए सी देन जी टी टी ए फिर देन 5 एंड, ठीक है, 3 to 5 एंड की तरफ. तो ये बिल्कुल करेक्ट है. एम्स में हमें क्वेश्चन ईजी है, आप लोग ईजिली मार्क्स फेच कर सकते हैं, इसमें कुछ करना नहीं है. टाटा आपने सुना होगा, टी ए टी ए टी ए टी, तो और भी बहुत सारे हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं. क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ईको आर 1 रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम. ऑप्शन ए, इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम ई कोलाई आर वाई 13. इट्स रिकग्नाइज सिक्वेंस इज 5 एंड ए ए जी सी टी टी 3 एंड 3 एंड टी टी सी जी ए ए 5 एंड. ओके, एंड सी इज इट प्रोड्यूसेस कॉम्प्लीमेंट्री ब्लंट एंड्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. तो फ्रेंड्स देखिए जो इको आर आई है वो क्या करता है, वो जब कट करता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है. और इसका जो रिकग्निशन सिक्वेंस है वो आपका यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट हो जाएगा. एक मिनट, इट प्रोड्यूसेस कॉम्प्लीमेंट्री ब्लंट एंड्स, ठीक है, क्योंकि ये जो करेगा वो क्या करेगा, ये जो करता है फ्रेंड्स वो कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स होते हैं, जिसका जो जब रिकग्निशन सीक्वेंस जो बनेगा फ्रेंड्स, तो वो क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री ब्लंट एंड्स को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है. तो जो स्टेटमेंट है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, कि ये जो इको आर आर वन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, इट प्रोड्यूसेस कॉम्प्लीमेंट्री ब्लंट एंड्स. नाउ यहाँ पे जो गिवन ऑप्शन है उसमें यही सही होगा. नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स. क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, द डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेटेड ऑन एन एग्रोस जेल कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विद. तो फ्रेंड्स चलिए ऑप्शन हमारे पास है एसिटोकार्माइन, एनिलीन ब्लू, ऑप्शन सी है एथिडियम ब्रोमाइड, डी ब्रोमोफेनॉल ब्लू. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स 6 का? तो देखिए डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता ही है कि फ्रेंड्स जो मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, और जो हम लोग एग्रोस जेल या एगार जेल होता है, देन उसमें वेल्स होते हैं, ठीक है, वेल्स में हम लोग डालते हैं मटेरियल जो होता है आपका डीएनए का फ्रेगमेंट्स, फिर उसके अकॉर्डिंग जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो फिर डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू साइज़ रन करते हैं, ठीक है. तो साइज़ अकॉर्डिंग टू साइज़ रन करते हैं, जो स्मॉलर होता है वो सबसे आगे होता है, छोटा वाला सबसे जल्दी दौड़ के आगे निकल जाता है और बड़ा वाला पीछे रह जाता है. तो इस तरीके से सेगमेंट्स बनते हैं. और ये जो मैथड होता है आपको पता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है, ठीक. तो इन सेगमेंट्स को हम लोग देख कैसे सकते हैं, इन सेगमेंट्स को देखने के लिए एथिडियम ब्रोमाइड ETBR का यूज़ करते हैं, ठीक है. ETBR की प्रेजेंस में
फ्रेंड्स, इथीडियम ब्रोमाइड की प्रेजेंस में ही आप इन सेगमेंट्स को देख सकते हो, क्योंकि उस ये समझ लीजिए कि जो जो सेगमेंट्स हैं वो आपका कोई कलर नहीं होता है उसमें, ठीक है, वो कोई कलर नहीं होगा। तो किसी भी चीज़ को कलर करने के लिए कुछ डाई वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा ना आपको, तो इसलिए डाई का यूज़ करते हैं। उसके बाद देन यूवी रेडिएशन देते हैं। यूवी रेडिएशन जैसे ही देते हैं उसमें ऑरेंज कलर, ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स आपको दिखाई देते हैं, जो कि डीएनए के बैंड्स होते हैं। ओके, तो नाउ यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इथीडियम ब्रोमाइड। ऑप्शन सी, देखिए फ्रेंड्स, इथीडियम ब्रोमाइड बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की तरफ पढ़ते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज, बी न्यूट्रल, सी इधर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज डिपेंडिंग ऑन देयर साइज, एंड डी ऑप्शन इज पॉजिटिवली चार्ज। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप लोग तुरंत कर लीजिए, ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। चलिए क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। अ जीन हूज एक्सप्रेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल इज नोन एज, ऑप्शन ए वेक्टर, ऑप्शन बी प्लाज्मिड, ऑप्शन सी है स्ट्रक्चरल जीन, एंड डी इज सेलेक्टेबल मार्कर। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 8 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, सेलेक्टेबल मार्कर्स। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग जैसे कि स्टडी करने के लिए कुछ मार्कर्स का यूज़ करते हैं ना, कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है उसको तुरंत मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जब बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी कुछ सेलेक्टेबल मार्कर्स का यूज़ होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स, ये जो है ट्रांसफॉर्म्ड सेल को एक्सप्रेस करते हैं, उनके लिए यूज़ होता है फ्रेंड्स। तो कुछ जीन्स ऐसे होते हैं, ये एक्चुअल में कुछ जीन्स होते हैं, ठीक है, ये जो जीन्स होते हैं ये सेलेक्टेबल मार्कर्स की तरह यूज़ होते हैं। ये क्या करते हैं, होस्ट सेल को सेलेक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है, कि कौन सी होस्ट सेल को सेलेक्ट किया जाए, और ऐसी होस्ट सेल होनी चाहिए जिसमें वेक्टर्स हों, ठीक है, और क्या हो, जो ऐसी कैपेबिलिटी रखता हो कि जो ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग कर सके। तो ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करने के लिए एक सेलेक्टेबल मार्कर की ज़रूरत पड़ती है, और ये सेलेक्टेबल मार्कर्स का काम कुछ जीन्स करते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्लियर। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नाइन है आपके पास। व्हाट इज़ द क्राइटेरियन ऑन फॉर डीएनए फ्रेगमेंट्स मूवमेंट ऑन अग्रोस जेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाउ अभी डिस्कस किया है फ्रेंड्स, ठीक है, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट्स मूव, बी पॉजिटिवली चार्ज फ्रेगमेंट्स मूव टू फार्दर, एंड सी नेगेटिवली चार्ज फ्रेगमेंट्स डू नॉट मूव, डी द लार्जर द फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट्स मूव। नीट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे होता क्या है, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कि सब्सटेंस का सेपरेशन किया जाता है। अब देखिए चूंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से ये चीज़ हो रही है, इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के से हो रही है फ्रेंड्स, तो ये क्या करती है, ऑयंस जो होते हैं, ठीक है, जिसे आपको पता है कैथोड होते हैं और एनोड होते हैं, ठीक है, तो आयनिक प्रॉपर्टी पे ये बेस्ड होता है। और होता क्या है, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो जो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है तो वो पॉजिटिव जो है आपके इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है। तो ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं और सेपरेट किए जा सकते हैं, ठीक है, ये एनोड की तरफ चले जाते हैं, और डीएनए फ्रेगमेंट जो एनोड की तरफ जाता है वो मॉलिक्यूलर साइज के अकॉर्डिंग जो है एग्रोस जेल में क्या होते हैं फ्रेंड्स, पोर बने होते हैं, ठीक है, वो पोरस होता है, थोड़ा पोरस होता है। तो ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर साइज के अकॉर्डिंग उस पोर्स में जाते हैं और एक बैंड सा बनता है। तो अभी जैसे प्रीवियसली मैंने डिस्कस भी किया है इस चीज़ को, तो स्मॉलर फ्रेगमेंट जो होते हैं वो लार्जर फ्रेगमेंट के कंपैरिजन में जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं और दूर होते हैं, ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रोड के जो पास होगा वो कौन सा होगा, लार्जर सेगमेंट होगा, और जो दूर की तरफ होगा वो क्या होगा, स्मॉलर सेगमेंट होगा, फ्रेगमेंट होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है फ्रेंड्स, वो ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, द स्मॉलर फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स, जितना स्मॉल होगा उतनी दूर भागेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, असर्शन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड्स ऑफ डी एन ए टू प्रोड्यूस स्टिकी एंड्स, एंड रीजन क्या है, स्टिकीनेस ऑफ द एंड्स फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम डी एन ए पॉलीमरेज।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके पास मैं बता दूँ आपको कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। असर्शन तो ट्रू है बट रीज़न फॉल्स है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट्स द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए टू प्रोड्यूस स्टिकी एंड्स। ठीक है, असर्शन करेक्ट है फ्रेंड्स। ठीक, और जो स्टिकीनेस होती है एंड्स की वो क्या करती है, डीएनए लाइगेज एंजाइम के एक्शन को फैसिलिटेट करती है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के एक्शन को नहीं। यानी स्टिकीन जो प्रोड्यूस होंगे वो डीएनए लाइगेज एंजाइम को फैसिलिटेट करेंगे कि वो लाइगेशंस करें इनका। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 11 है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज अचीव्ड बाय कटिंग अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम प्लाज्मेट बाय ऑप्शन ए पॉलीमरेज, बी लाइगेज, सी एक्सोन्यूक्लियस एंड डी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो चलिए यहाँ पे हमारा देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, बिल्कुल आपको पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, फॉरेन डीएनए एंड प्लाज्मेट कट बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैन बी जॉइंट टू फॉर्म अ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मेट यूजिंग ऑप्शन ए इको आर वन, ऑप्शन बी टैक पॉलीमरेज, सी पॉलीमरेज 3 एंड डी लाइगेज। तो लाइगेज, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लाइगेज जो होते हैं वो ऐसे एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, ये करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को के फॉर्मेशन को कैटालाइज करते हैं। ठीक है, जैसे आपको बॉन्डिंग तो पता ही, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, तो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग के फॉर्मेशन को कैटालाइज करते हैं। ठीक, अब होता क्या है, और जो एटीपी होती है फ्रेंड्स, इसमें एटीपी का यूज़ होता है, तो एटीपी का क्लीवेज होता है, और आपको पता है जब एटीपी का क्लीवेज होता है तो क्या क्या बनता है फ्रेंड्स, जल्दी से ज़रा सा याद कर लीजिए। एटीपी किस में टूटती है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यानी पीआई में। ठीक है, और जब टूटती है, ब्रेक डाउन होती है एटीपी का, तो उसके बाद बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज होती है। तो लाइगेजेस जो होते हैं फ्रेंड्स वो रिपेयरिंग के लिए, मॉलिक्यूल्स की रिपेयरिंग के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें डीएनए लाइगेज होते हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं, और ये फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। अब फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कहाँ किया जाता है फ्रेंड्स, क्लोनिंग वेक्टर्स में इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये क्लोनिंग वेक्टर्स में फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, तो इसलिए डीएनए लाइगेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पे डीएनए लाइगेज। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा हाइड हो रहा है, ये लाइगेज, यहाँ पे ऑप्शन फ्रेंड्स आपका लाइगेज हो जाएगा, डी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, लाइगेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ दी, क्वेश्चन नंबर 13 है, हाँ, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लाज्मिड, कहा गया है कि इसमें प्लाज्मिड का फीचर कौन सा नहीं है, ए ट्रांसफरेबल, बी सिंगल स्ट्रैंडेड, सी इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन एंड डी सर्कुलर स्ट्रक्चर। इसमें से कौन सा फीचर प्लाज्मिड के नहीं है, तो फ्रेंड्स देखिए जो प्लाज्मिड क्या होते हैं, प्लाज्मिड जो होते हैं वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होते हैं, ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं, ये सर्कुलर होते हैं और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्लाज्मिड के बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन आता है कि ये डबल स्ट्रैंडेड है या सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये रेप्लिकेटिंग है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है या नहीं है, ठीक है, सर्कुलर है या फिर लीनियर है, तो इसलिए आप, और वैसे भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो आपको प्लाज्मिड के बारे में भी अच्छे से स्टडी कर लेनी है। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि ये डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये वेक्टर की तरह यूज़ होते हैं। ठीक है, और वेक्टर क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का जो वेक्टर होगा वो क्या करेगा, वो जब जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जो वेक्टर है वो फॉरेन डीएनए सेगमेंट को कैरी करता है। ठीक है, फॉरेन डीएनए सेगमेंट को कैरी करता है और फिर इसको कैरी करता है, फिर ये होस्ट सेल में ले जाता है और वहाँ पे इनसाइड द होस्ट सेल ये रेप्लिकेट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेक्टर मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को लेके जा रही है, जैसे कि मलेरिया का वेक्टर है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, ये एक वेक्टर है। ठीक है, बट जो कॉजल एजेंट होता है जिससे मलेरिया होती है वो क्या है, प्लाज्मोडियम, जो कि एक प्रोटोजोअन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ठीक है, दी कटिंग, हाँ, तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी
करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कहा गया है कि नॉट अ फीचर ऑफ प्लाज्मिड्स। ठीक है, तो ट्रांसफरेबल है बिल्कुल, है इंडिपेंडेंट भी है और सर्कुलर भी है। क्या नहीं है? सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं है। कैसा है फ्रेंड्स? डबल स्ट्रैंडेड है। ओके, चलिए क्वेश्चन 14 की तरफ मूव करते हैं। द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस बिकेम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ ऑप्शन ए सेलेक्टेबल मार्कर्स, बी लिगेजेस, सी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, डी प्रोब्स। तो 14 का यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स? 14 का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, बिल्कुल। यहाँ पे आपको पता ही है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं, तो डीएनए की कटिंग के लिए स्पेसिफिक लोकेशन पे अगर डीएनए की कटिंग करना चाहते हैं तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज़ करना होता है। चलिए अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है। प्लाज्मिड वेक्टर इन डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी मीन्स ओके, ऑप्शन ए है अ वायरस दैट ट्रांसफर्स जीन्स टू बैक्टीरिया, बी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए, सी स्टिकी इंड्स ऑफ डीएनए एंड डी एनी फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए कैरिंग डिजायरेबल जीन्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 15 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 15 का बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए होता है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 16, विच ऑर्गेनिज्म इज यूज टू ट्रांसफर, ये 16 की तरफ बढ़ रहे हैं, विच ऑर्गेनिज्म इज यूज टू ट्रांसफर टी डी एन ए। तो नाउ टी डी एन ए का ट्रांसफर कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोमाइसिस हाइग्रोस्कोपिकस एंड ऑप्शन बी है एग्रोबैक्टीरियम ड्यूमेफेसियंस, ऑप्शन सी सोल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन डी इश्किरिकिया कोलाई। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको पता होगा, जो अभी हमने लास्ट लेक्चर जो मेरा फ्रेंड्स है बायोटेक्नोलॉजी एंड इस एप्लीकेशन, उसमें भी आप ये देख सकते हैं, उसको आप देखिएगा फुल लेक्चर को, बहुत अच्छा लेक्चर है वो। तो उसमें क्या है फ्रेंड्स कि जो टाई प्लाज्मिड या ट्यूमर इंड्यूसिंग होता है, ये जो है सोयल बैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन से लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, ट्रांसफर टी डीएनए के ट्रांसफर के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस का यूज़ करते हैं। नाउ अब इसका ट्रांसफर फ्रेंड्स कराते कहाँ पे हैं? किसी एनिमल में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, चलिए नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन 17 है, दी एंजाइम यूज टू जॉइन द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। देखिए फिर से अगेन ये आ गया है क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शन ए में डीएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन बी डीएनए लाइगेज, ऑप्शन सी एंडोन्यूक्लिएज, ऑप्शन डी हेलिकेज। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या देखना होता है, ये भी देखना होता है कि कौन से क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है, किस पार्ट से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हर एग्जाम को क्रैक करने की एक स्ट्रेटजी और एक स्मार्ट प्लानिंग भी होती है, तो आप उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करिए। जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा लिए गए इसका मतलब इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो, तो उसको ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करिए। चलिए नाउ नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन 18 है, हिंद टू कट्स डीएनए मॉलिक्यूल एट अ स्पेसिफिक पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ, ऑप्शन ए 2 बेस पेयर्स, बी है 3 बेस पेयर्स, सी 5 बेस पेयर्स एंड डी इज 6 बेस पेयर। तो चलिए यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, जो ऑप्शन है वो थोड़ा देख लेते हैं। देखिए हिंद टू जो है वो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था और ये एक्चुअल में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम कौन सा डिस्कवर हुआ था, तो आप ये लिख सकते हैं हिंद टू। ठीक है, और इसको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से आइसोलेट किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि ये क्या करता है, डीएनए मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करता है, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, उसके बाद रिकॉग्नाइज करता है और अबाउट 6 बेस पेयर के सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, जिसको क्या कहते हैं, इसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी बोलते हैं। एंड ये स्पेसिफिक सीक्वेंस जो होते हैं हिंद टू के, फिर उसके बाद ये क्या करता है, ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस करता है। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये 18 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 6 बेस पेयर का सीक्वेंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस करता है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान दीजिएगा, ब्लंट एंड्स। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 19 है, एग्रोज
एग्रोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वीड्स इज यूज इन ऑप्शन ए PCR एम्प्लीफिकेशन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोपोरेशन, ऑप्शन सी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड ऑप्शन डी इज साइब्रिड प्रोडक्शन। तो ना अभी इस एग्रोस के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मोस्ट कॉमनली मैट्रिक्स होता है और ये जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज़ होता है। और आपको पता है फ्रेंड्स, अगार जेल्डियम एंड ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 20 है, विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ DNA? ऑप्शन ए बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ऑप्शन बी यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ऑप्शन सी प्लाज्मिड, ऑप्शन डी कॉस्मिड। तो 20 का आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा, प्लाज्मिड हो जाएगा, बिल्कुल प्लाज्मिड हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ जीन को वेक्टर कैन क्लोन ओनली अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ DNA, तो प्लाज्मिड ऐसा है। नाउ क्वेश्चन 21 है फ्रेंड्स, DNA प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटमेंट विद, यानी कि हमारे पास जो मिक्सचर मिलता है हमको फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, जो DNA होता है उसको कैसे प्रेसिपिटेट करेंगे, क्या डालेंगे कि वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा DNA। ठीक है, देखिए कोई सपोज़ आपके पास एक प्लांट सेल है फ्रेंड्स, तो प्लांट सेल है, आपने उस सेल को लिया, ठीक है, तो बहुत सारे टेक्निक का फिर यूज़ करते हैं, ठीक है, वो पूरा प्रोसेस है उसका। देन क्या होता है, आपके पास एक मिक्सचर मिलता है, ठीक है, जिसमें सेल का DNA भी होता है और सेल के अदर पार्ट्स भी होते हैं, जैसे कि सेलुलोज भी होता है, लिपिड पार्ट भी होता है, ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स एक साथ मिक्स होते हैं ना स्टार्टिंग में। उसके बाद फिर आपको DNA को अलग करना होता है, देन DNA को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे ले जाना होता है, फिर उसके बाद उसके आगे फ्रेगमेंट्स आपको ऑब्टेन होते हैं। तो इस प्रोसेस में आप क्या यूज़ करेंगे, ऑप्शन ए चिल्ड क्लोरोफॉर्म, बी आइसोप्रोपेनॉल, सी चिल्ड एथेनॉल, डी मिथेनॉल एट रूम टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सी सही हो जाएगा, चिल्ड एथेनॉल का यूज़ किया जाता है जिससे कि DNA का प्रेसिपिटेशन हो जाता है बायोमोलिक्यूल से। चलिए क्वेश्चन 22, हाउ आर ट्रांसफॉर्मेंट्स सेलेक्टेड फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, ट्रांसफॉर्मेंट्स का नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से कैसे सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शन ए प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट इन द वेक्टर DNA, ऑप्शन बी आपके पास है प्रेजेंस ऑफ एलियन DNA इन टू द वेक्टर DNA, प्रेजेंस ऑफ एलियन DNA इन टू द वेक्टर DNA रिजल्ट्स इन टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर। फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा धुंधला है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर नहीं है ये प्रिंट। एंड ऑप्शन सी है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन गेट्स इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलियन DNA, एंड डी है बोथ बी एंड सी। तो चलिए फ्रेंड्स बताइए यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा ऑप्शन इसका। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ बी एंड सी, प्रेजेंस ऑफ एलियन DNA इन टू द वेक्टर DNA रिजल्ट्स इन टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर। और ऑप्शन सी भी करेक्ट होगा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन गेट्स इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलियन DNA, ठीक है, वो इनएक्टिवेट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 23 है, इन ऑर्डर टू इंड्यूस द बैक्टीरियल अपटेक ऑफ प्लाज्मिड द बैक्टीरिया आर मेड कॉम्पिटेंट बाय फर्स्ट ट्रीटिंग विद, ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन डी कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो कैल्शियम सॉल्ट है फ्रेंड्स वो क्या करता है, वो एफिशिएंसी, जैसे कि DNA जो है फ्रेंड्स वो क्या करता है, जो DNA है वो बैक्टीरियम में एंटर करता है, ठीक है, वो बैक्टीरियम में एंटर करता है कैसे, पोर्स के थ्रू, या फिर जो है जो सेल वॉल में पोर्स होते हैं उनके थ्रू, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम सॉल्ट है उसकी DNA को उसके अंदर एंटर करने की, बैक्टीरियम के अंदर एंटर करने की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, ठीक है, कि इट मींस कि फैसिलिटेट कर देता है ये कैल्शियम सॉल्ट कि DNA जल्दी से या ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ बैक्टीरियल सेल के अंदर मूव कर सके। तो अब जो रिकॉम्बिनेंट DNA होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, ठीक है, अब रिकॉम्बिनेंट DNA जो होता है देन इस टाइप की जो सेल्स होती हैं जिसमें वो बैक्टीरियम में जो चला गया है DNA, अब क्या करते हैं इनक्यूबेट करते हैं, जब इनक्यूबेट करते हैं तो फिर रिकॉम्बिनेंट DNA को आइस पे रखते हैं, फिर उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए 42 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए लगभग हीट शॉक देते हैं, देन उसको फिर से आइस पे रखते हैं, तो ये सारा ट्रीटमेंट करते हैं इसमें। तो यहाँ पे
हमारे पास जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 23 का ऑप्शन डी यानी कि कैल्शियम क्लोराइड आपको याद रखना है, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो आंसर है कि ये पूछा गया था ना कि जो ऑर्डर टू इंड्यूस द बैक्टीरियल अपटेक ऑफ प्लाज्मिड, ठीक है, द बैक्टीरिया आर मेड कॉम्पिटेंट बाई फर्स्ट ट्रीटिंग विद, तो कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट कर देते हैं तो वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट बन जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या होता है, और फ्रेंड्स विच ऑफ दी 24 विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज मोस्ट वाइडली एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डाइजेशन। ऑप्शन ए एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑप्शन बी सेंट्रीफ्यूगेशन, सी पॉलीएक्रेलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड डी पीसीआर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 24 का देखते हैं, जो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक होती है फ्रेंड्स वो क्या करती है, ठीक है, वो आपको पता ही है कि वो यूज़ करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स को देखने के लिए, फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें क्या होता है कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर मास और साइज़ वो क्या करते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है फ्रेंड्स वो ऑप्शन ए है, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो तो आप देख ही रहे हैं, मैं आपको पैलिंड्रोम्स के बारे में पहले बता चुकी हूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, GAATTC। ठीक है, देन उसके बाद जो 3 to 5 एंड पे है वो GTTAAG। ठीक है, उल्टा सीधा एक समान, तुम बतलाओ मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। ओके तो जैसे अगर हम लोग हिंदी में बात करें फ्रेंड्स तो कनक, क न क, चाहे जिधर से पढ़िए एक जैसा ही है तो फ्रेंड्स आप लोगों में से किसी का नाम अगर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बनाता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, ओके, क्वेश्चन 26 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोनिंग वेक्टर। ए डीएनए ऑफ सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, बी टाइप्लाज्मिड, सी एनी डीएनए कंटेनिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एंड डी है ओरी माइनस PBR322। तो चलिए 26 का ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा बी फ्रेंड्स। ठीक है, 26 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज़ होगा फ्रेंड्स। एक मिनट, यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 27 बायोलिस्टिक। देखिए मैं सोच ही रही थी कि बायोलिस्टिक वाला क्वेश्चन अभी तक नहीं आया इस चैप्टर से। देखिए बायोलिस्टिक या जीन गन इज सुटेबल फॉर ए डिसआर्मिंग पैथोजन वेक्टर्स, बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल्स, सी कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग विद वेक्टर्स, डी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो फ्रेंड्स देखिए जो बैलिस्टिक या जीन गन मेथड होता है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं टंगस्टन या गोल्ड के पार्टिकल्स जो कि डीएनए से कोटेड होते हैं, फॉरेन डीएनए से कोटेड होते हैं, क्योंकि इसको ही तो हमको होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालना होता है ना, तो इसलिए फॉरेन डीएनए वो कहा जाता है। तो फॉरेन डीएनए से कोटेड होते हैं, इनको बम्बार्डमेंट किया जाता है टारगेट सेल में, ठीक है, बहुत ही हाई वेलोसिटी होती है इनकी, तो ऐसे जैसे कि गन से शूट करते हैं वैसे, इसीलिए तो उनको जीन गन भी बोला जाता है। तो और ये क्या होता है जो प्लांट सेल में ट्रांसफॉर्मेशन जब करना होता है फ्रेंड्स, तो प्लांट सेल के लिए जीन गन या बायोलिस्टिक का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन हो जाएगा 27 का, वो 27 का बी ऑप्शन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल के लिए यूज़ होता है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 28 की तरफ बढ़ जाते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम EcoR1 कट्स द DNA between bases G and A only when the sequence in DNA is okay। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है GA है GATATC, ऑप्शन B GAATTC, ऑप्शन C GATTCC, ऑप्शन D GAACTT। AMU में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इसमें देखिए होगा क्या कि जो EcoR1 है वो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये आपको पता है, और ये जो DNA के G एंड A जो बेसिस होते हैं इनके बीच में अगर कट करता है तो वो कब कट करता है, जब बेस सीक्वेंस 5 एंड से 3 एंड की तरफ GAATTC होता है। ठीक है, और ये जो EcoR1 है मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ये इको इशिरिकिया कोलाई ईकोलाई से आइसोलेट किया गया है। ठीक है, और स्ट्रेन कौन सा है फ्रेंड RY13, यानी ईकोलाई RY13 से ये आइसोलेट किया गया,
और ये डीएनए पे कट्स करता है फ्रेंड्स, और ये स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ये स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करता है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, ओके। तो ये जो है कैसा एंड प्रोड्यूस करता है, स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करता है फ्रेंड्स। नाउ तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन जो 28 का ऑप्शन है फ्रेंड्स, वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारे पास है ये GAATTC। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास 29 है फ्रेंड्स, कोहेन एंड बॉय आइसोलेटेड एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम अ प्लाज्मिड व्हिच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्फरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन द ईयर। नाउ 29 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें आपको ईयर लर्न करना है, तो यहाँ पे आपका सिर्फ सिंपली 1972 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ क्वेश्चन 30 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द टर्म मॉलिक्यूलर सीजर्स जनरली रिफर्स टू। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है डीएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन बी है आरएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन सी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड ऑप्शन डी है डीएनए लाइगेजेस। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है देखते हैं फ्रेंड्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होते हैं फ्रेंड्स, वो क्या कहते हैं, ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आपको पता है कि ये फॉरेन डीएनए को स्पेसिफिक साइट पे क्लीव्स करते हैं, ठीक है, इसलिए इनको मॉलिक्यूलर सीजर्स या बायोलॉजिकल सीजर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है फ्रेंड्स, वो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो मैं बार बार बता भी रही हूँ और यहाँ पे क्वेश्चन भी है, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर जो था ये PYQ का, ये यहीं पे आज एंड हो जाता है फ्रेंड्स। और आप लोग प्लीज़ मेरे सारे लेक्चर जितने भी मैंने PYQ के बनाए हैं आप लोगों के लिए, वो सब प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट करिएगा, और दूसरे फ्रेंड्स तक भी अपनी हेल्प पहुंचाइएगा फ्रेंड्स। बहुत सारे ऐसे नीडी लोग हैं जिनको मटेरियल ऑब्टेन नहीं हो पाता, नहीं मिल पाता है, बुक्स भी नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। तो इसलिए मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों की को अच्छे से अच्छे लेक्चर प्रोवाइड करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए, ओके, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।